यही है कि 10 साल से ये सरकार, पिछली सरकार सब सोई हुई है। हम लोग उसको जगाने के लिए आए हैं फ्लैश लाइट के जरिए। ये सरकार हम लोग के साथ बहुत धोखेबाजी कर रही है कि बोलती है सिर्फ बोल आज हम लेंगे एग्जाम, अब लेंगे एग्जाम, अब लेंगे। लड़का लोग एकदम बेरोजगारी में, उसके साथ रहने खाने के लिए पैसा नहीं हो रहा है। हम लोग का भरोसा देता है कि होगा होगा, जल्द होगा जल्द होगा, लेकिन जल्द होगा ये डेट कभी आज तक बताया कि नहीं कि जल्द कब होगा। जल्द होगा 2 साल में, 3 साल में, कि 8 साल में, कि 10 साल में, कि 12 साल में। ये तो हम लोग बस हम 2019 से लगातार हम लोग ठगे ही जा रहे हैं। बस हम लोग यही चाहते हैं कि अगस्त में एग्जाम हो और विधानसभा चुनाव से पहले हम लोग का अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाना चाहिए कि जून के लास्ट तक जेएसएससी और सरकार से कि एग्जाम डेट दे सीजीएल का, झारखंड सीजीएल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बायस्कोप, मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जो जेएसएससी के कैंडिडेट हैं वो आज मोरवादी मैदान से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक फ्लैश मार्च निकाले, और ये नज़ारा अल्बर्ट एक्का चौक का है, जहां आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो जेएसएससी सीजीएल के कैंडिडेट हैं अपनी मांगों को लेकर बापू वाटिका से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक फ्लैश मार्च निकाले हैं और सरकार को जगाने की कोशिश है। और इनका सीधा तौर पर कहना है कि हमारी जो एग्ज़ाम है उसे फिर से करवाया जाए, जेएसएससी सीजीएल फिर से करवाया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, क्यों उसके बाद आचार संहिता लगेगा, तो ऐसे में हम लोग का भविष्य अंधकार में हमें दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट हैं जेएसएससी के काफ़ी आक्रोशित दिख रहे हैं और झारखंड सरकार हाय हाय के नारे भी लगाए जा रहे हैं, हाथों में पोस्टर लेके कि जेएसएससी सीजीएल फिर से करवाई जाए। ये शांतिपूर्ण तरीके से इनका फ्लैश मार्च है और चंपाई सोरेन होश में आओ, नो जेएसएससी नो वोट का नारा भी लगाया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि जो जेएसएससी के कैंडिडेट हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है। लगातार जेएसएससी के कैंडिडेट कभी जेएसएससी कार्यालय का चक्कर लगाते हैं, कभी नेता मंत्री विधायक के आवास पर पहुंचकर अपनी मांगों के लिए लगातार गुहार लगाते हैं, दिखते हैं, लेकिन इनके हित में फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। तो इन दिनों देश में पेपर लीक का भी मामला है, इसको लेकर भी माहौल गर्म दिख रहा है। जो भी प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले छात्र हैं उनमें आक्रोश की भावना देखी जा रही है, और आप अभी कुछ छात्रों से जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनकी मुख्य मांग है और क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले उनकी मांग पूरी हो पाएगी कि नहींगा। क्या नाम हुआ भी आपका? मैं शशि महतो हुआ। कहाँ से आए हैं? रांची से हैं। अच्छा, आप भी जेएसएससी के? हाँ जी, जेएसएससी के हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? मांग यही है कि 10 साल से ये सरकार, पिछली सरकार सब सोई हुई है, हम लोग उसको जगाने के लिए आए हैं फ्लैश लाइट के जरिए, और हम लोग चाहते हैं कि ये जो एग्जाम हो फेयर एग्जाम हो, जल्द हो, नियुक्ति मिले। ये जो सूखा पड़ा है 10 साल का जो बनवास चल रहा है ये बंद हो, और ये लोग जो हर एग्जाम में सीट बेच रही है वो ही बंद करे ये लोग। क्या लगता है कि अब विधानसभा चुनाव आने वाला, आचार संहिता लगेगा, तो आप लोग की मांग पूरी हो पाएगी? हम लोग उसी के लिए कोशिश में लगे हैं कि हमारी मांगे जल्द से जल्द सुन ले सरकार और हम लोग आराम से एग्जाम दे और अपने जीवन में आगे की ओर बढ़े। ये देखिए जो कैंडिडेट हैं जेएसएससी के अब अल्बर्ट एक्का चौक पर ही बैठ गए हैं, और झारखंड सरकार हाय हाय के नारे भी लगाए जा रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया? ये नाम हुआ एक जब सुनील कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? हम लोग गिरिडीह से हैं, हम लोग यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं। ये सरकार हम लोग के साथ बहुत धोखेबाजी कर रही है कि बोलती है सिर्फ बोल आज हम लेंगे एग्जाम, अब लेंगे एग्जाम, अब लेंगे। लड़का लोग एकदम बेरोजगारी में, उसके साथ रहने खाने के लिए पैसा नहीं हो रहा है, और सरकार कुछ मतलब कर नहीं रही है स्टूडेंट के लिए। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सब एग्जाम क्लियर करे सरकार, जल्द से जल्द एग्जाम क्लियर करे। देखे हाथ में पोस्टर लेके नो जेएसएससी सीजीएल नो वोट,
क्या कहना चाहिए? नो वोट। देखिए हम लोग लगातार 8 साल से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सरकार अपना इलेक्शन पे इलेक्शन निकालते आता है, लेकिन हम लोग का जब लेने का एग्जाम आता है टाइम, तो सरकार 2 साल 3 साल करते करते आज 8 से 10 साल हो जा रहा है, लेकिन आज तक हम लोग का ये एग्जाम का डेट नहीं दिया। फिलहाल में अभी ये लोकसभा वाला वोट हो गया और विधानसभा वाला वोट आने वाला, सरकार का अपना इलेक्शन का डेट निकाल दिया है, लेकिन सरकार हम लोग का स्टूडेंट का जिंदगी का ये तो 2 साल 3 साल में अपना इलेक्शन वाला वोट निकाल लेता है, लेकिन हम लोग का स्टूडेंट का कुछ दिखता नहीं है। हम लोग का भरोसा देता है कि होगा जल्द होगा, लेकिन जल्द होगा ये डेट कभी आज तक बताया कि नहीं कि जल्द कब होगा। जल्द होगा 2 साल में 3 साल में कि 8 साल में कि 10 साल में कि 12 साल में। हम लोग पढ़ते पढ़ते आज हम लोग का उम्र 20 साल से 30 साल 30 साल से 40 साल होते जा रहा है। हम लोग कब तक सहे सरकार से? इसलिए हम लोग चाहते हैं सरकार से जल्द हम लोग का ये एग्जाम का डेट निकाले। हम लोग का जैसे सीजल का पढ़ते पढ़ते हम लोग का अभी 8 से 10 साल हो जा रहा है, अब पता नहीं का डेट अभी निकाला नहीं सरकार। अभी इलेक्शन होगा, फिर इलेक्शन के बाद सरकार फिर से चुपचाप बैठ जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार हम लोग का एग्जाम का डेट निकाले, ताकि हम लोग पढ़ाई में आगे बढ़े। थैंक यू। जल्दी से जल्दी सरकार हमारी जो मांग है पूरी करे। आप देख सकते हैं हाथों में छात्रों को ठगने वाली सरकार, होश में आओ। क्या लगता है कि आप लोग के हित में कुछ फैसले लिए जाएंगे? अब ये तो हम लोग बस 2019 से लगातार हम लोग ठगे ही जा रहे हैं। बस हम लोग यही चाहते हैं कि अगस्त में एग्जाम हो और विधानसभा चुनाव से पहले हम लोग का अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाना चाहिए बस, और चुनाव पूरा नीट एंड क्लीन तरीके से होना चाहिए। अच्छा, ये री एग्जाम की मांग कर रहे हैं आप लोग? हाँ, ये तो हुआ है ना इसके पहले जनवरी में, जो 28 जनवरी को हुआ था, जो पेपर लीक हुआ है वही एग्जाम। तो SIT की गठन भी किया गया है, SIT जांच कर रही है, क्या लगता है कि आप लोग के हित में कुछ फैसले लिए जाएंगे? फैसला लिया कहाँ जा रहा है? अगर लिया जाता तो अब तक कितने लोगों को जेल में डाला जाता? अभी तक CGL का डेट घोषित नहीं किया गया। 2021 को घोषित किया गया था कि नियुक्ति वर्ष होगा, उसके बाद से हम लोग तब से इंतजार ही कर रहे हैं कि कब एग्जाम हो। अच्छा, ये देखिए और भी हमारे साथ कैंडिडेट है, क्या नाम हुआ आपका? शिवम। कहाँ से आए हैं? यही रांची से। रांची से। अच्छा, आप लोगों की जो JSSC के कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई है अभी तक? नहीं, मामले को लेकर नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है, क्योंकि आप लोग तो लगातार JSSC कार्यालय का चक्कर लगा। हम लोग का पूरा कैलेंडर जारी करें कुछ दिन में, और पूरा अगस्त तक इसको फेयर तरीके से कम्प्लीट कराएं, जैसे CGL को अगस्त तक। हाँ, विश्वास है कि क्योंकि अब तो चुनाव आने वाला है। अब देखिए, समय कम बचते हुए भी हम लोग कहना सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग का एग्जाम फेयर तरीके से कराए CGL के। देखिए, जल्दी से जल्द हमारी ये जो एग्जाम करवाई जा रही है, हाथों में पोस्टर लेके JSSC CGL नियुक्ति नहीं तो वोट नहीं, देख सकते हैं कि एक संदेश देने की कोशिश है सरकार को, जो हमारे साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार ना किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो JSSC के कैंडिडेट हैं उनमें आक्रोश है, और इसी को लेकर आज अल्बर्ट एका चौक पर फ्लैश मार्च के लिए पहुंचे हैं। मोराबादी स्थित बापू वाटिका से लेकर अल्बर्ट एका चौक तक जो कैंडिडेट है यहां के पहुंचे हैं। सर, क्या लगता है, आप लोग लगातार JSSC कार्यालय का चक्कर लगाते आए हैं, आधिकारिक तौर पे कुछ बातचीत हुई है? देखिए, अधिकारी लोग से तो बात हुआ था, बोले थे पिछला बार जो हम लोग 11 तारीख का जो प्रोटेस्ट किए थे उसमें ये बोले थे कि 10-15 दिन में हम लोग कैलेंडर जारी करेंगे, और अभी तक कोई भी कैलेंडर जारी नहीं हुआ। तो हम लोग पिछला बार जैसे हर 2-2 महीना पे एग्जाम का तिथि पोस्टपोन्ड हो रहा था, आने वाला चुनावी समय आ रहा है, आचार संहिता लागू हो जाएगा तो कब स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा, तो हम लोग तो बस अब इंतजार नहीं कर सकते हैं। एग्जाम का तिथि जारी करें, CGL का एग्जाम री एग्जाम कराएं, और रिजल्ट दे और ज्वाइनिंग कराएं। रिजल्ट दे और ज्वाइनिंग करें। आप देख सकते हैं कि 5 साल में 5 लाख भी नहीं दे पाई है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मनोज। कहाँ से आए हैं? रांची से। अच्छा, क्या लगता है कि अब चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लगेगा, आप लोग के हित में कुछ फैसले लिए जाएंगे? सरकार से तो मेरी एक ही नम्र निवेदन है कि जून के लास्ट तक JSSC और सरकार से कि एग्जाम डेट दे CGL का, झारखंड CGL, JSSC CGL, जो 28 तारीख को पेपर फेयर नहीं हुई है, समोसा के भाव से बेचा गया, कदापि बर्दाश्त तो नहीं हुआ, हम लोग से दिखा दिए, लेकिन जून के लास्ट तक हम लोग का डेट निकाल दे, अगस्त में एग्जाम हो, मिड अगस्त या लास्ट एग्जाम तक, लास्ट अगस्त तक, और सेप्टेम्बर तक ज्वाइनिंग हो, ठीक है।
यदि सरकार सीट बेचती है फिर से तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। और सरकार को अल्टीमेटली है कि सीजीएल का एग्जाम फ्रेश साफ सुथरा तरीके से कराया जाए, क्योंकि गरीब के बच्चे हैं, 6.5 लाख कैंडिडेट है, 6.5 लाख। क्यों चुप्पी रखी हुई है सरकार, क्यों सीजीएल के एग्जाम पे क्यों चुप्पी? क्या हम लोग को आईएएस का नौकरी थोड़ी दे रही, ग्रुप बी का नौकरी दे रही है, और सब गरीब के बच्चे हैं। हमारी तो मांगे एक ही है ना कि सीजीएल का एग्जाम ले। क्या हम लोग कुछ गलत बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति हम लोग को एमएलए बना दो? नहीं ना, जो कर रहे हैं हम लोग का एग्जाम लो, 2000 सीट है, 6.5 लाख कैंडिडेट है, हम लोग जॉब देख लेंगे, नहीं होगा तो कुछ चले जाएंगे दूसरी जगह पे, यही सरकार से। और हाईकोर्ट भी संज्ञान में ले, ये फेयर एग्जाम जो फेयर एग्जाम नहीं हो रही है, कहीं श्रेया डिजिटल से 500 बिट्स, कहीं पर 50 लाख में सीट बेच रही है 30 लाख में, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार बता दे, ये तो फांसी दे दे फिलहाल चौक पे, उसके लिए भुगतने के लिए तैयार है। कोई सरकार के एसआईटी का गठन नहीं, एसआईटी का गठन चल रही, यूपी में एसआईटी का गठन आ गया, लीक पेपर माफिया बाहर चला गया, और झारखंड में एसआईटी डुकी ड्रामा चलेगा, मीटिंग सीटिंग चलते रहेगा, एसआईटी करते रहेगा। अलवा सरकार है ये, बबुआ सरकार है ये, होश में जागो चंपाई सोरेन, नहीं तो दिखा देगा इस बार स्टूडेंट होश में क्या होता है। सीटिंग रघुवर दास को हारना पड़ा था, कौन सा खराब काम किया था? वन ऑफ द बेस्ट सीएम चीफ मिनिस्टर रघुवर दास झारखंड सरकार के, और इस बार बीजेपी सरकार आएगी यदि काम नहीं करेगी तो हम लोग लाएंगे। बात बस है, हम लोग गलती किए हैं कि सरकार को लाके। जेएसएससी के जो कैंडिडेट हैं उनमें आप देख सकते हैं कि आक्रोश है, कहीं ना कहीं सरकार को एक संदेश देने की कोशिश है कि सरकार यदि हमारे हित में फैसले नहीं लेगी तो आने वाले दिनों में हम सरकार को बताएंगे कि जेएसएससी के जो कैंडिडेट हैं उनमें क्या शक्ति है। अभी देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले जो जेएसएससी सीजीएल रीग्जाम की मांग है सरकार इस पर कुछ विचार करती है कि नहीं। यह काफ़ी अहम है क्योंकि जेएसएससी का विवादों में पुराना नाता रहा है, लगातार जो जेएसएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं जेएसएससी कार्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं, अधिकारियों से बातचीत करने के लिए जदोजहद करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन से लेकर अलग अलग प्रकार ऐसे संदेश देने की कोशिश की जाती है। इसी क्रम में बापू वाटिका से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक फ्लैश मार्च निकाला गया और सरकार को एक सीधा अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि सरकार हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा नहीं करती है तो इस विधानसभा चुनाव में हम सरकार को बताएंगे कि युवा शक्ति क्या होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ सौरभ सिंह, न्यूज बाय स्कोप, रांची।